ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा नेताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिशें पार्टी ने शुरू कर दी है। बीजेपी ने महल विरोधी जयभान सिंह पवैया का कद बढ़ाकर उन्हें महाराष्ट्र का सह प्रभारी बनाया। इसे संतुलन बनाने की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। उपचुनाव में प्रचार की औपचारिकता तो पवैया ने दिखाई, लेकिन सिंधिया घराने को लेकर उनकी तल्खी कम नहीं हुई थी। इसलिए पार्टी ने पवैया को महाराष्ट्र में व्यस्त कर दिया ताकि वो ग्वालियर चंबल की राजनीति से दूर रहे। पवैया और सिंधिया विपरीत ध्रुव माने जाते हैं। यही वजह है कि भाजपा ने सिंधिया की सियासत का रास्ता साफ करने के लिए पवैया को महाराष्ट्र भेजा है। पवैया अब महाराष्ट्र में व्यस्त रहेंगे और राष्ट्रीय राजनीति में शामिल होंगे तो स्थानीय राजनीति में सिंधिया का मार्ग प्रशस्त होगा। खबर है कि ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया के विरोधी रहे प्रभात झा का भी जल्दी पुनर्वास हो सकता है। राज्यसभा सदस्य रहे झा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने ग्वालियर में रहकर उपचुनाव का मोर्चा संभाला था।